बाहरी दिल्ली के भलसवा डेरी थाना इलाके के मुकंदपुर चौक पर बीती रात करीब 11 बजे बदमाशों द्वारा पंडित अमित उर्फ लंगड़ा नाम की युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर पीड़ित परिवार को सौंप दिया है। उस पूरे मामले की जांच में भलसवा डेरी थाना पुलिस गंभीरता से कर रही है। क्या हुआ था भाई साहब, यहाँ बताया गया झगड़ा हुआ था? भाई साहब 10:30 बजे यहाँ झगड़ा हुआ था और 10:30 बजे बाद मैं रिक्शा चलाता हूँ यहाँ से चला गया था। उसके बाद कुछ लोग आए थे गाड़ी से और गायब हो गए थे। झड़प होने के बाद फिर पुलिस वालों ने भगा दिया था उनको, फिर पता नहीं उसके बाद, मेरे को नहीं पता, उसके बाद मैं घर चला गया था। ये वही मुकंदपुर चौक है। यहाँ बीती रात बदमाशों ने पंडित अमित उर्फ लंगड़े नाम के युवक पर कई राउंड गोलियां चलाई, जिनमें से एक गोली अमित की जान पर लगी तो दूसरी गोली अमित के सर पर लगी, जिसके चलते वह घायल होकर जमीन पर गिर गया। आउटर नॉर्थ जिला के DCP रवि कुमार के मुताबिक बताया गया कि घायल अमित को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने अमित को मृत घोषित कर दिया। वहीं DCP रवि कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पंडित अमित उर्फ लंगड़ा के ऊपर भलसवा डेरी और मुखर्जी नगर थाने में 2 आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज है। हमारे पास 12 बजे कॉल आया है कि अमित खत्म हो गया है, हम लोग गए तो खत्म हो चुका था। क्या हुआ था, कुछ पता नहीं हमें उसके बारे में, कुछ भी पता नहीं। गोली मारी थी? हाँ जी, उसे गोली लगी हुई थी। आप मोर्चे से गए थे? हाँ, मोर्चे से आ रहा हूँ। क्या बताया, कितनी गोली लगी? 4 गोली बताए। अमित करता क्या था? खाली था जी, बेरोजगार। रात को वहाँ कैसे पहुँच गया, किसने बुलाया था तो लेके गया जी? इसके बारे में तो उसका फोन रिकॉर्ड से ही पता चलेगा क्या हुआ है क्या नहीं, क्योंकि घर पे भी किसी को नहीं पता इस बारे में। कितने बजे पता चला आप लोगों को? हम लोग को 12 बजे पता चला। हाँ जी, पुलिस को कुछ कार्रवाई कर रही है? पुलिस जी बोल रही छानबीन चल रहा है। लूटपाट लग रहा है क्या, मामला लूटपाट? हम कुछ भी नहीं बता सकते इसमें, क्या कहें हम, हमें जब पूरी बात खुद नहीं पता है तो हम कैसे बताएं। शुरुआती जांच में इस पूरे घटनाक्रम में आपसी रंजिश का मामला नजर आ रहा है। पुलिस द्वारा तमाम सिस्टम फुटेजों को खंगाला जा रहा है और गुप्त सूत्रों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। फिलहाल इस वारदात के बाद मृतक अमित के परिजन कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, इस वारदात के बाद एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल या निशान खड़े होने लगे हैं, क्योंकि जहां पर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया वहां पर मात्र 50 कदम पर ही 2 पुलिस चौकी बनी हुई है। जिस समय वारदात को अंजाम दिया गया उस समय यहां पर सन्नाटा नहीं बल्कि चहल पहल भी थी। वारदात के समय पुलिस चौकी में पुलिस मौजूद थी या नहीं ये तो जांच का विषय है, लेकिन हत्या के बाद आरोपी फरार हो चुके हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए भलसवा थाना पुलिस गंभीरता से काम कर रही है।